हाय, गुड इवनिंग ऑल। सो ये फ्यूचर ग्रुप का जो ये कमिंग वीक बहुत क्रूशल होने वाला है, तो एक एक दिन में एक एक केस जैसा है ये हफ्ता में पूरा। सो आप एक एक न्यूज़ के बारे में अब ब्रीफली आपको दिखाता हूँ और चार्ट भी दिखाता हूँ। सो ये चांस यही है, ये फाइनल चांस जैसा है। सो जुलाई 20th सुप्रीम कोर्ट को उसको पोस्टपोन कर दिया है और एक एक डेट आपको दिखाता हूँ इसमें। सो 12 तारीख से 16 तक SI SC में हियरिंग होगा। सो फाइनल डिसीजन 16 को आएगा। सो सेकंड है 20th को सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग होगा। नेक्स्ट आसपास में 24th में RIL का शेयर होल्डर का मीटिंग NCLT में ये अलाउ कर दिया है। सो 24th का आसपास में NCLT को भी एक खबर निकल के आएगा जैसा मालूम हो रहा है उसमें। सो जुलाई 28th में बहुत इम्पॉर्टेंट क्रूशल थिंग होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है। सो नेक्स्ट NCLT में जो भी होल्ड करके रखा है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी रिलीज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा चांस है हफ्ता में। सो हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। सो एक एक स्टॉक को एक एक बार चेक करेंगे। सो एक एक फंडामेंटल लेवल और किधर जाके ये रुका है चार्ट में वो भी दिखाता हूँ। फ्यूचर रिटेल का जो भी चार्ट देखा तो 50 डेज का जो भी दिमाए 59.41 अभी आसपास में रुका था, 59.41 के पास आसपास में आके रुका था। सॉरी, फ्यूचर कंज्यूमर है, इनका जो भी 50 डेज का जो भी एवरेज है वो 8.69 है और 200 डेज का या वही ट्रेडिंग चालू है उसको। सो नेक्स्ट फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन है, ये 50 डेज का जो भी दिमाग है 68.99 है। सो 73.1 या वो 50 डेज ट्रेडर है और 200 बिलो ही ट्रेड हो रही है। ये रिवर्स पैटर्न चेक करें इसमें बाकी फ्यूचर ग्रुप का हिसाब से। नेक्स्ट फ्यूचर एंटरप्राइजेस, सो 200 डेज को ये ब्रेक कर दिया है और नीचे आ गया, 11.34 को ब्रेक करके 11.05 को पहुंच गया और 50 डेज का जो भी एवरेज है 10.76 है। नेक्स्ट फ्यूचर सप्लाई चेन, ये भी इनका 200 डेज दिमाग को ब्रेक करके नीचे आ गया है, 109.04 है और इसका 50 डेज का है 88.96 है और आसपास में ये ट्रेड होने के लिए रेडी है। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क है, वो 200 डेज है 17.89 है, सॉरी 82 है, सो 50 डेज का है 17.39 है। सो आसपास में आने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर एंटरप्राइज DBR है, सो इसमें 200 डेज और 50 डेज का आसपास में 13.71 और 13.87 इसका सपोर्ट लेके रिवर्सल में स्टॉक 14.35 में ये ट्रेडिंग हो रहा है। सो जैसा ये ग्रुप का एक एक स्टॉक को आपको जानकारी दिया था और सिंपल एक सिंपल बोलिंजर बैंड का है हिसाब से ये फ्लैट हो रहा है। फ्यूचर रिटेल में थोड़ा फ्लैट दिख रहा है, तो डे चार्ट में आप ये ग्रीन कैंडल भी जनरेट हो चुका है इधर और ये भी रिवर्सल चल रहा है और इसका रिवर्स होने के लिए बहुत ज़्यादा चांस है। सो वॉल्यूम क्रिएशन भी सबसे बढ़िया वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, तो इसमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है। फ्यूचर रिटेल में जल्दीबाजी एंट्री नहीं है, वन वीक ये वीक रुका है तो इसमें मालूम हो जाएगा। आपको भी पता है सितंबर में RIL का जो डील एक्सपायरी होने वाला है, सो आपको सितंबर तक ये डील कंप्लीट होना है, ये तो ये एक्सपायरी डेट आसपास में रहेगा। फिर से रिलायंस वाला
सो ये डील में एक्सटेंड करना बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो भी मीटिंग होगा तो उसका बाद में उसमें डिसीजन लेगा, उसका बाद में ये अनाउंसमेंट आने के लिए बहुत ज़्यादा चांस है। तो अपना को 20 तारीख को मालूम हो जाएगा रिलायंस क्या करेगा और बाकी इसमें रिजल्ट कैसे रहेगा। सभी पूरा सुप्रीम कोर्ट का बेस में ही चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो हीरिंग चालू है वो जुलाई 20 तारीख को है। सो वेट एंड वॉच जैसा स्टॉक हो गया है, तो 20 तारीख तक इसमें जो भी निवेश करा है वो कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। हमारा व्यू है इसमें फिर से बुलिश का है, तो इसका टारगेट अपनों को मर्जिंग होने के बाद में 35 रुपीज़ आप फ्यूचर एंटरप्राइज का है, तो आसपास में डील होने के बाद में आपको रिलीज में 35 रुपीज़ का आसपास में ये मिल जाएगा। सो रेशियो भी पता होगा, बहुत दिन से बात हो गया अपना रेशियो का। सो ज़रूरत है तो आपको कमेंट बॉक्स में आपका जो भी शेयर्स और इसका क्वांटिटी और उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको कैलकुलेशन करके देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।